नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस राज्य में नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलेगी कोविड वैक्सीन। जी हां, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और एलर्जी वाले लोगों को केंद्र के प्रोटोकॉल के अनुसार कोविडशील्ड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। टोपे ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हमने चयनित लोगों को पूरा 2 खुराक देने का फैसला लिया है, पहली खुराक अब और 4 से 6 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं या फिर एलर्जी वाले लोगों को टीका नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से अनुमानित 17,50,000 में से 9,63,000 खुराक प्राप्त हुई है, जो कि राज्य सरकार के कोटा का लगभग 55% है। राहुल गांधी ने कहा, अन्नदाता की शहादत से शर्मिंदा नहीं हुई सरकार, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें हो रही है शर्मिंदगी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसी न किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने 26 जनवरी को किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब 60 किसान शहीद हुए हैं तो मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक्टर रैली पर वह शर्मिंदा है। पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दुर्घटनाओं, आत्महत्या या फिर अन्य कारणों से लगभग 60 किसानों की जान गई है। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली या फिर वाहन मार्च या फिर किसी भी रूप में प्रदर्शन पर निषेधाज्ञा लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कहा कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि विरोध करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के छोटे समूह ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली या फिर वाहन मार्च निकालने की योजना बनाई है। राकेश टिकैत बोले, तिरंगा यात्रा पर जो करेंगे पानी की बौछार वो होंगे असली खालिस्तानी। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में कृषि कानूनों के निरस्त होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मुंबई पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि कानून को संसद में तैयार किया गया, न कि सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसे वहीं निरस्त किया जाना जरूरी है। इन कानूनों के निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हमारा आंदोलन एक क्रांति है, हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। राकेश टिकैत ने जोर देकर कहा कि सरकार को एक संसद सत्र बुलाने की जरूरत है और किसान आंदोलन के खिलाफ कोई सांसद आवाज़ उठाता है तो हम उनका नाम नोट करेंगे और दूसरों को उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई कृषि मंत्री नहीं है। टिकैत ने कहा कि 18 मंत्री हैं जो कृषि मामलों को देख रहे हैं, यह सब होना तय है। हम प्रधानमंत्री और सरकार को खोज रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल बोले, केंद्र से नहीं दी गई फ्री वैक्सीन तो दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी लगवाएगी मुफ्त टीका। जी हां, देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मुफ्त वैक्सीन लगवाने की अपील की है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए मुफ्त वैक्सीन नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी की सरकार अपने खर्च पर दिल्ली के लोगों को फ्री में टीका लगवाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने सरकार से अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और ये महामारी 100 साल में पहली बार आई है। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इसका खर्च ना उठा पाएं। हम इसे देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है। अगर केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन नहीं देती है तो जरूरत पड़ने पर हम दिल्ली के लोगों के लिए इसको मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। कांग्रेस ने कहा, थर्ड फेज का ट्रायल होने तक रोके कोवैक्सीन टीकाकरण, गिनी पिग नहीं है भारत के लोग। जी हां, सरकार ने जहां एक ओर हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोविड टीकाकरण अभियान के लिए कमर कस ली है, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को आगाह किया है कि चूंकि कोवैक्सीन टीके का तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए टीकाकरण अभियान अभी शुरू नहीं होना चाहिए। भारत के लोग गिनी पिग नहीं है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार को तब तक टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी प्रभावकारिता की पूरी तरह पुष्टि ना हो जाए और अनिवार्य थर्ड फेज का ट्रायल पूरा ना हो जाए, क्योंकि भारत के लोग गिनी पिग नहीं है।
कांग्रेस की आपत्तियां कोवैक्सीन को लेकर हैं, जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता साबित करने के लिए तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। 48,000 करोड़ रुपए के तेजस विमान को CCS की मंजूरी, आत्मनिर्भरता के लिए साबित होगा गेम चेंजर। जी हां, भारत की चीन के साथ तनातनी जारी है, तो वहीं लगातार सुरक्षा बलों को मजबूत करने की कोशिश में है। इसी बीच सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की बैठक में करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी है। यह सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की समिति ने वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी है। अब तक के सबसे बड़े घरेलू सैन्य सौदे पर 48,000 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। यह विमान रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम HAL से खरीदे जाएंगे। 11 शहरों में पहुंची कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने दान में दी 16.5 लाख वैक्सीन। जी हां, देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन देश के 11 शहरों में पहुंच गई है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर कहा कि बुधवार सुबह तक उसकी वैक्सीन देश के 11 शहरों में पहुँच गई है। इन देशों में गणवरम, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ शामिल हैं। जिन शहरों में वैक्सीन नहीं पहुंची है, वहां पर बुधवार शाम तक वैक्सीन की डिलीवरी हो जाएगी। भारत बायोटेक ने भारत सरकार को 16.5 लाख कोरोना वैक्सीन दान में भी दिया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक को 55 लाख कोरोना वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था। कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा रहा है। 17 महीने में तीसरी बार येदुरप्पा सरकार का कैबिनेट विस्तार, फिर भी असंतोष कायम। जी हां, कर्नाटक में 17 महीने पुराने मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत 7 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा की कैबिनेट में जहां 2 दागी नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई, तो वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि 8 बार के विधायक रह चुके उमेश कट्टी और 6 बार विधायक रह चुके इस अंगारा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ऐसा पार्टी के भीतर विद्रोह को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मूल भाजपा वफादारों की शिकायत थी कि उन्हें दरकिनार कर नए लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण करने वाले 7 मंत्रियों में उमेश कट्टी, अरविंद लिम्बावली, MTV नागराज, मुंगरेश निरानी, आर शंकर, CP योगेश्वर और S अंगारा शामिल हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से निर्देश दिए गए थे कि इस बार वरिष्ठों और वफादारों को ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। कालाधन रखने वालों का नाम बताएं, 5 करोड़ रुपए का इनाम पाएं, ऐसे दे सरकार को जानकारी। जी हां, काले धन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लॉटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना, अगर आप किसी भी काले धन रखने वाले की जानकारी सरकार को दे देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में 5 करोड़ रुपए देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पर तो जानकारी देने वाले का नाम भी खुलासा हो जाएगा, तो घबराइए मत, काले धन की जानकारी देने वाले का नाम भी गोपनीय रखने का आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने काले धन की जानकारी के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने कहा है कि उसके ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डर्स की जानकारी देने संबंधी लिंक को चालू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी की देश या फिर विदेश में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के अलावा टैक्स चोरी की जानकारी दे सकता है। आयकर विभाग के लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इस शिकायत के लिए आपके पास स्थायी खाता संख्या यानी PAN या फिर आधार नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो भी आप काले धन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन ब्लैक मनी की जानकारी देने के बाद आपको OTP आधारित वैधीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट नंबर देगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसके द्वारा की गई शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की स्थिति देख सकता है।
इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति मुखबिर अथवा भेदिया बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपए और विदेशियों में काला धन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामलों में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाने का प्रावधान है। आज का मैट कुछ क्वेश्चन आ चुका है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।